आनासागर झील में डूबने से दो बच्चों की मौत। पुरानी चौपाटी के पास झील में नहाते वक्त डूबे बच्चे, पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर झील से निकाले शव। पुरानी चौपाटी से जुड़ रहे पाथवे पर कार्य चल रहा था, इसी दौरान वहां अहमदाबाद के दो बच्चे नहा रहे थे, जिनमें राजा जिसकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, वह दूसरा सैफ अली जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है। दोनों ही नहाते वक्त आनासागर झील में डूब गए, जिससे दोनों ही बच्चों की मौत हो गई। दोनों के शव को फिलहाल मॉर्चरी में रखवाया गया। करीब 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस तुरंत पहुंची। उसके बाद रेस्क्यू टीम ने भी मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू करी। वे दोनों के शव को बाहर निकाल मॉर्चरी में रखवाया। सर, ये कब हादसा हुआ है? ये लगभग 1:30 पर हादसा हुआ है और हमको 1:40 सूचना मिली। इंचार्ज साहब और जाप्ता यहाँ तुरंत आ गया था। अभी SDRF की टीम भी आ गई है और प्रयास किए जा रहे हैं इनको निकालने के। दो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 की 17 साल है, राजा नाम है, दूसरे का सैफ अली, उसकी 19 साल उम्र है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? अहमदाबाद के रहने वाले हैं। सर, यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इस तरह से नहीं, ये इसका आनासागर झील का काम चल रहा है तो सिक्योरिटी का तो कोई मतलब नहीं है, तो गलत जगह पे आके नहा रहे थे, सेल्फी ले रहे थे तो डूब गए दो बच्चे। फिल्म अदाकार राजा विक्रम ने की दरगाह जियारत। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर पेश की चादर, अकीदत के फूलों का नजराना किया पेश। आज ख्वाजा साहब की दरगाह में फिल्म अदाकार राजा विक्रम सिंह ने दरगाह की जियारत की। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत के फूल पेश किए। खादिम सैयद शकील अहमद चिश्ती ने विक्रम सिंह को जियारत कराई। इसके बाद विक्रम सिंह से उनके चाहने वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी चाहने वालों ने विक्रम सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाई। विक्रम सिंह ने कई हिंदी पंजाबी तेलुगु फिल्मों में काम किया है, जिसमें हीरोपंती, आत्मा, कुछ करी जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी ने दिया धरना, 15वें वेतनमान की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। काफी समय से 15वें वेतनमान की मांग को लेकर कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी के चलते धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार से फिर से मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3% देने का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर कर्मचारी ने इसकी निंदा कर 15% की मांग रखी। कर्मचारियों को यह भी कहना है कि भी राज्य सरकार द्वारा ऋण माफी चल रही है, जिसकी वजह से बैंक को भारी नुकसान हो रहा है, जिसका भुगतान भी उन्होंने सरकार से मांगा है। हमारा 15वां वेतनमान 53 माह से लगातार लंबित है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी गत 15 जून 2018 को सरकार द्वारा वार्ता कमेटी से 3% की हमको ऑफर दिया गया है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये बिल्कुल भी हमको मान्य नहीं है किसी भी हाल के अंदर। अभी वर्तमान में ऋण माफ़ी योजना चल रही है, इन ऋण माफ़ी योजना से बैंक के अंदर ऋण माफ़ी योजना के समितियों में बैंक में कैंप लगाए जा रहे हैं, उस कैंप से बैंकों और समितियों को भारी हानि हो रही है। 50,000 से लेकर 1,00,000 तक का उसमें वित्तीय खर्च हो रहा है। हम मांग करते हैं कि इस वित्तीय खर्च की भरपाई राज्य सरकार या केंद्र सरकार करें। साथ ही अभी वर्तमान में अल्पकालीन फसली ऋण जो किसानों को दिया जा रहा है वो 0% पे दिया जा रहा है। वो पैसा हमारा डिपॉजिटर का पैसा है जो 7-8% उच्च दर का है, उस पर जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत जो नाबार्ड आती है, जो उसका उपक्रम है केंद्र सरकार का, वो अभी तक भी उसकी अल्पकालीन जो योजना है वो लागू नहीं करी है, नीति लागू नहीं करी है, जिसकी वजह से हमको बहुत उच्च दर पर वो पैसा मिल रहा है लोन बांटने के लिए किसानों को। फिर भी बैंक अपना नुकसान करके और किसानों को जो है ऋण बांट रहा है ताकि किसान आत्महत्या नहीं करे, किसान जो है फसल अपनी उगा सके समय पे, और इसकी सारी वित्तीय हानि जो बैंक को हो रही है उसकी भरपाई राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं कर रही है और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी बैंक प्रॉफिट में है और जो भी हमारा 15 वेतनमान की मांग है उससे किसी भी तरह का वित्तीय भार राज्य सरकार केंद्र सरकार पर नहीं पड़ेगा। फिर भी राज्य सरकार की हठधर्मिता कहें क्या कहें कि अभी तक हमारा वेतनमान समझौता
लागू नहीं किया जा रहा है। 3% की जो वृद्धि के लिए हमारे को जो दिया गया है उसके लिए हम बिल्कुल उसकी जो है कड़े शब्दों में सभी कर्मचारी एक सुर के अंदर निंदा करते हैं और हम आशा करते हैं, मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे को कम से कम 15% से 20% की वृद्धि का हमको ऑफर दिया जाए। और जब तक हमको 15% से 20% की वृद्धि का ऑफर नहीं दिया जाएगा, हम इसी प्रकार से जो है आंदोलनरत रहेंगे। और इस आंदोलन के आगामी पड़ाव के अंदर हम 25 और 26 तारीख को स्ट्राइक करेंगे। पूरे राजस्थान की सभी 29 CCPO और एक अपेक्समेंट 300 इकाइयाँ पूर्णतया बंद रहेगी। सभी का जो है कार्य का बहिष्कार रहेगा और फिर भी सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अजमेर यूनिट ये घोषणा करते हैं, हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जाएंगे और किसान को और पब्लिक को जो भी कोई अगर इसकी हानि होती है, कोई असुविधा होती है बैंकिंग कार्यों के अंदर, उसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार दोनों की होगी। और हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार की तरफ, राज्य सरकार की तरफ बकाया 25% हिस्सा राशि है वो सरकार जल्द से जल्द हमारे को दे ताकि हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके, हम और बैंकों की कंपटीशन के अंदर हम विकास कर सकें। मुकेश शर्मा, सचिव, यूनाइटेड फोरम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक यूनियन। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों के लिए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू। अजमेर जिले को आमंत्रित है 744 अभ्यर्थी। आज 370 अभ्यर्थियों के किए गए दस्तावेज सत्यापन। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पदों के लिए अजमेर जिले को 744 अभ्यर्थी आमंत्रित हुए हैं, जिसमें आज 370 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनके दस्तावेज शाला अर्पण पोर्टल पर डाले जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों की राज्य सरकार द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल प्रथम के पदों के लिए हम इस जिले को 744 अभ्यर्थी आमंत्रित हुए हैं। आज उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्य करवाया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन के लिए पंजीयन के लिए 10 काउंटर लगाए थे और इसी प्रकार उनके सत्यापन दल भी 10 लगाए गए हैं। उन सत्यापन दल में एक राजपत्रित अधिकारी है और एक लिपिक है। आज 370 अभ्यर्थियों का दस्तावेज का सत्यापन होगा। इन दस्तावेज के सत्यापन के पश्चात जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनके दस्तावेज शाला दर्शन पर अपलोड किए जाएंगे और उसके बाद पात्र अभ्यर्थियों की राज्य सरकार के दिए गए निर्देशानुसार काउंसलिंग होगी। सर, कितने कैंडिडेट्स आए हैं सत्यापन के लिए? आज हमने 370 को आमंत्रित किया। सर, आपका परिचय? श्यामलाल सांगावत, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, अजमेर। ADR में दूसरे दिन भी जारी रही रिफ्रेशर ट्रेनिंग। न्यायाधिकारी व अधिवक्ताओं को दी ट्रेनिंग, 3 दिन चलेगी ट्रेनिंग। ADR में वैकल्पिक विवाद निस्तारण के तहत आज रिफ्रेशर ट्रेनिंग का दूसरे दिन था, जिसके अंदर न्यायाधिकारी व अधिवक्ता शामिल हुए। इन्हें चंडीगढ़ साइड ट्रेनर्स द्वारा मेडिएशन को लेकर जानकारी दी जा रही है। ट्रेनिंग सेशन में बड़ी संख्या में न्यायाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित हुए। 20 रिफ्रेशर कोर्स का आज दूसरा दिन था। आज हमारे जो ट्रेनर हैं चंडीगढ़ से जो बता रहे थे, आज कल जैसे उन्होंने कन्फ्लिक्ट, जैसे मीडिएशन में किस प्रकार किन किन वजहों से कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कैसे आगे जो मामला बढ़ता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने, एक मीडिएटर का क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें बताई थी। आज उन्होंने जो है वो मीडिएशन की जो प्रोसीडिंग है वो कैसे चलती है, किस प्रकार जॉइंट सेशन पार्टीज को साथ में बैठा कर वार्ता कराई जाती है, किस प्रकार अलग अलग पार्टीज को बैठा कर वार्ता जो सिंगल सेशन है वो कैसे किया जाता है, रोल प्ले करके और एक केस में जो है एक उन्होंने सबके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार मीडिएटर्स का क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या उनकी कमियां रहीं और जो पार्टीज़ हैं वो कैसे नेगोशिएशन को अपने आगे बढ़ा सकती हैं, बार्गेनिंग पार्टीज़ में किस प्रकार चलती है। तो ये जो टेक्निक है मीडिएशन की, वो प्रक्रिया जो है मीडिएशन की, वो उन्होंने बड़े डिटेल से आज जो है वो समझा रहे हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर हैं दिल्ली से, जो जज साहब आए हैं, वो भी गहनता से इसका ऑब्जर्वेशन करके और जो फीडबैक है वहीं पे जो कमियां रह जाती हैं और जो वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो मीडिएटर हमारे हैं उनकी ग्रास रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आई थी, उनकी जो समस्याएं हैं, अपने जो एक्सपीरियंस उनके हैं वो सारे शेयर कर रहे हैं। तो ये मीडिएशन प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है और वो हमारा चल रहा है, कल भी ये प्रोग्राम जो है चालू रहेगा। अजमेर में 20 घंटे का रिफ्रेशर प्रोग्राम मीडिएटर्स के लिए कराया गया, जो ऑलरेडी ट्रेन मीडिएटर्स हैं और काफ़ी मीडिएशंस कर चुके हैं, लगभग इनको 3 से 5 साल हो गए मीडिएशन करते हुए, और उनके लिए वही जो प्रोग्राम पहले उनको कराया था वो एक शॉर्ट फॉर्म में है।
ताकि जो उन्होंने पुरानी चीज़ें सीखी हुई हैं वो दोबारा रिफ्रेश कर सकें और उसमें नई जो भी चीज़ें का समावेश हो चुका है 5 सालों में जो नई चीज़ें आ चुकी हैं वो भी उनको सिखाई जा सके। इसमें हम प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं कि दो रोल प्लेस भी करा रहे हैं ताकि जो है उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन में करके अगर उनके किसी करने में कोई त्रुटि है कोई कमी है तो उसको भी दूर कर सकें, जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उनकी उसको हम दूसरों को भी बता सकें कि इस ढंग से करते हैं। बेसिकली मीडिएशन उन लोगों के लिए है जिनका कि कोई विवाद चल रहा है आपस में और उनमें उनका कोई आपस में रिलेशन जैसे पति पत्नी का रिलेशनशिप है या माँ बाप के साथ कोई वाद विवाद है या भाइयों के बीच में है या कोई कस्टमर और शॉपकीपर के बीच में है बैंकर कस्टमर के बीच में है तो वहाँ इसको मीडिएशन को यूज़ करके वो अपने विवाद का खुद हल कर सकते हैं, जो कि कोर्ट में जो उनका समय लगता है या उनके कुछ ऐसा धन खर्च होता है उसमें वो बचा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है उसमें रिलेशनशिप ख़राब नहीं होता क्योंकि कोर्ट की जजमेंट तो उसमें एक हारेगा और एक जीतेगा, इसमें दोनों पार्टीज जो हैं जीतती हैं अपना विवाद का खुद हल करती हैं, जब खुद हल करती हैं तो आगे के विवाद ख़त्म हो जाते हैं और भविष्य में भी उनको भी किसी किस्म की मुश्किल आए तो उसको भी आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। तो इसमें टोटल जो है एक इनफॉर्मल सा सिस्टम है, पार्टीज अपने आप ही अपने जरूरतों के हिसाब से अपने वाद का विवाद का जो है सेटलमेंट करती है और इसमें इनको जो अगर कोर्ट में जो कोर्ट फीस भी दी होती है वो भी उनको वापस हो जाती है। सिंधी धारा संगीत समिति द्वारा प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले बच्चों का क्या सम्मान, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने पर क्या सम्मानित। सिंधी धारा संगीत समिति द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले बच्चों का सम्मान किया गया। अध्यक्ष गोपाल साहनी ने बताया कि 12वीं में 80% अंक लाने वाले सिंधी भाषा विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। नानक का बेड़ा निजी होटल में शाम को 6 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसमें 125 बच्चों का सम्मान हुआ। इस अवसर पर विशन दास वासवानी ने बताया कि 15 दिवसीय निःशुल्क ब्यूटी पार्लर संगीत और डांस के प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाओं को प्रमाण पत्र पर प्रशिक्षण देने वाले टीचरों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर लता शर्मा, राजू जोधानी, विजय नानकानी आदि मौजूद थे। सिंधू धारा संगीत समिति हमारे सिंधियों की एक समिति बनाई हुई है, इसमें जो है हम हर साल सिंधी बच्चों को उत्साह करने के लिए निःशुल्क ब्यूटी पार्लर सिखाने का काम, नृत्य संगीत सिखाने का काम हम बच्चों को सिखाते हैं। ये हर साल हमारा कार्य होता है सिंधू धारा संगीत समिति के द्वारा और जो बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क्स लेके आते हैं उनका भी हम सर्टिफिकेट देके सबका स्वागत करते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम गोपाल शाहनी, अध्यक्ष सिंधू धारा संगीत समिति। बिजली विभाग ने आयोजित की जन सुनवाई, 11 प्रकरण हुए दर्ज, अजमेर के अलावा आसपास के क्षेत्र से आए लोग। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से आज जन सुनवाई आयोजित की गई जिसमें अजमेर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर ने समस्या सुनी। जन सुनवाई में 11 प्रकरण दर्ज हुए। इंजीनियर ने बताया कि ज्यादा प्रकरण अजमेर के ही दर्ज हुए जिसमें रीडिंग, नए कनेक्शन में नाम बदलने के प्रकरण आए हैं। आज MD साहब की अनुपस्थिति में मेरे द्वारा जन सुनवाई की जा रही है, मैं चीफ इंजीनियर अजमेर डिस्कॉम हूँ। आज कुल 11 प्रकरण आए हैं जिसमें अधिकतर प्रकरण अजमेर लोकल से संबंधित है जिसमें रीडिंग और नाम परिवर्तन से है। 2-3 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को शिफ्ट करना या कहीं दूसरी जगह लगाना उसके लिए है। सभी को उचित दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अधिकतर प्रकरण 1 सप्ताह के अंदर निपटा जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ज़्यादातर लोग, कुछ तो लोग ऐसे आ रहे हैं जो लाइन शिफ्टिंग या इनके जो मकान के सामने या साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हुए हैं उनको शिफ्टिंग से संबंधित आ रहे हैं। कुछ प्रकरण 3-4 प्रकरण ऐसा आए हैं जो रीडिंग या उनके नाम ठीक से नहीं आ रहे हैं या नाम परिवर्तन करना उससे संबंधित है। 2 प्रकरण नए कनेक्शन से संबंधित आए हैं और ज़्यादातर प्रकरण ऐसे हैं जो 1 सप्ताह में कर दिए जाएंगे। सभी के लिए दिशा निर्देश दे दिया। सिंधी पंचायत अजमेर ने फादर्स डे पर 6 पिताओं का किया सम्मान, सिंधी समाज के लोग उपस्थित।
पूज्य सिंधी पंचायत अजमेर के तातादान में विश्व फादर्स डे के अवसर पर 6 पिताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पंडित एवं कवि जागेश्वर निर्मल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमें अपने माता पिता और गुरुजनों का प्रतिदिन संस्कार करने की सीख देती है। हमें चाहिए कि अपनों से बड़ों का और माता पिता का हमेशा सम्मान करें। इस अवसर पर पूर्व व्याख्याता दादी चंद देवनानी ने कहा कि महिला और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। निर्मला हुल्दानी ने बताया कि जून माह के तृतीय रविवार को विश्व फादर्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रेष्ठ सेवाओं के लिए आर्य समाज परिषद में पंडित जागेश्वर निर्मल, चतुर्मूलचंदानी, लालचंद आर्य, रमेश लालवानी, महेश हुल्दानी और हेमराज का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह प्रदान कर उन्हें साहित्य प्रदान कर निर्मला हुल्दानी, काजल जेठवानी, प्रीति शर्मा तथा अन्य द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व फादर्स डे के अवसर पर आज गंज स्थित प्राचीन सिंधी मंदिर में 15 फादर्स का सम्मान किया गया और यह जो उद्देश्य है हमारा इस मंदिर का, हमारे पूर्व पार्षद और वरिष्ठ समाजसेवी भागचंद जी दौलतानी, पंडित दामोदर दादी, इनका यहाँ जो हमारा उद्देश्य है कि नई पीढ़ी अपने वरिष्ठ जनों का, माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करे, यह करना तो नित्य प्रति चाहिए, परंतु साल में एक बार जो ये विश्व स्तर पर बना है तो इसे मनाने का ये उद्देश्य है कि याद स्मृति बनी रहे और युवा पीढ़ी जो है, बच्चे हैं, वो अपने माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान करते रहें। यह जो है आज यहाँ पर 15 पिताओं का सम्मान किया गया। किशोर विदानी जो है बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, आज उनको श्रेष्ठ सेवाओं के लिए भी यहाँ सम्मानित किया गया। हमारे आज के यहाँ अतिथि के रूप में दौलतानी साहब थे, लक्ष्मण दास जो है दौलतानी साहब थे, नानक गजवानी हमारी पूज्य सिंधी पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, व्यापारिक एसोसिएशन के गोविंद लालवानी हैं और जो टीकम रूपानी है और अन्य सब ने मिलकर के यहाँ पर सम्मानित किया है। श्रेष्ठ सेवाओं के लिए जो अच्छा समाज में कार्य करते हैं उनको हमने सम्मानित किया है, फादर्स को सम्मानित किया है, उनको स्मृति चिन्ह साहित्य प्रदान करके सम्मानित किया गया है। रमेश लालवानी, महासचिव पूज्य सिंधी पंचायत। SBI बैंक द्वारा ग्राहक के काटे गए 118 रुपए का मामला सुलझा। स्थायी लोक अदालत में क्षेत्रपाल नामक व्यक्ति ने लगाया था प्रार्थना पत्र, बैंक ने सुधारी अपनी गलती। कुछ समय पहले क्षेत्रपाल धवर नामक व्यक्ति के SBI बैंक खाते से 118 रुपए काट लिए गए थे, जिसकी सूचना देने में मुख्य SBI बैंक पहुंचा तो उसे बैंक अधिकारी द्वारा ये जानकारी दी गई कि आपके पते पर ATM कार्ड भेजा गया था जिसको रिसीव न किया गया। वह कार्ड वापस बैंक में लौट कर आ गया जिसको लेकर आपके खाते से 118 रुपए काटे गए। इस पर क्षेत्रपाल धवन ने कहा कि उसको ऐसी कोई सूचना नहीं मिली, जिस पर क्षेत्रपाल ने स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र जारी किया जिस पर राजीनामे से बैंक ने अपनी गलती को सुधारते हुए 118 रुपए वापस रिफंड किए। नैनी श्रीमान, स्थायी लोक अदालत को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया क्षेत्रपाल धवन के द्वारा। उसमें मैटर ये था कि उनका एक अकाउंट करंट बचत खाता संख्या के अंदर जैसे 118 रुपये बैंक द्वारा काट लिए गए। क्षेत्रपाल द्वारा जब बैंक से जानकारी चाही गई तो बैंक ने कहा कि आपके अकाउंट में एक ATM जारी हुआ था जिसको आपने रिसीव नहीं किया, हमारे द्वारा जो भेजा गया था जरिए डाक से उसे आपने रिसीव नहीं किया तो पुनः हमारे पास लौटने आ गया, इसलिए हमने आपसे 118 रुपये काटा। प्रार्थी ने कहा कि मेरे पास तो इस तरह की कोई सूचना नहीं है, ना कोई पोस्ट ऑफिस है, ना फ़ोन द्वारा, और ATM मुझे मिला ही नहीं, ना मेरे पास संपर्क किया गया, तो आपने जो 118 रुपये काटे हैं वो गलत काटे। इस बात को लेकर उनमें बातचीत हुई तो कोई उचित हल नहीं निकलने के कारण प्रार्थी क्षेत्रपाल द्वारा एक स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसके अंतर्गत ये आपसी राजीनामे से इस इंसान को सुलझाया गया और बैंक द्वारा ये कहा गया कि जो हमसे गलती से 118 रुपये कटे हम आपके अकाउंट में पुनः लौटा देंगे। बैंक ने अपनी गलती सुधारी और पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी अपनी लेगनेंसी, अपनी कार्य जो ड्यूटी है उसको स्वीकार किया गया। कौन से बैंक का मैटर था? SBI कहाँ गया है? SBI मुख्य बैंक, मुख्य ब्रांच के शाखा अजमेर का था मैटर और बंदा अपने रामगंज गौतम नगर क्षेत्र का था। क्या नाम उनका? क्षेत्रपाल। आपका नाम? तेजिंदर सिंह, एडवोकेट। रेलवे कर्मचारी को निकालने पर DRM को सौंपा ज्ञापन, DRM ऑफिस पर प्रदर्शन कर जताया रोष, वापस नौकरी पर रखने की मांग। जनवरी 2018 में DRM से कर्मचारी को निकाल दिया गया था जिसको लेकर आज कर्मचारी ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि हमारी भर्ती को वैध बताकर नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट से ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है।
जिस पर आज DRM से मिलकर ज्ञापन सौंपा। विज्ञापन में वापस नौकरी पर रखने की मांग की। कर्मचारी ने कहा कि बाकी 15 जोन में भी इसी भर्ती को वैध बताया गया है, केवल नॉर्थ वेस्टर्न जोन में इसे अवैध बता रहे हैं। हमारा प्रदर्शन ये है, 2018 के अंदर जनवरी के अंदर हमें बाहर निकाल दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऐसे ऑर्डर नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए। 2004 में हमारा एक लेटर निकला था जिसके तहत 16 जोन में भर्ती हुई, 15 जोन में रेगुलाइज कर दिया गया। NWR के अंदर हमारे पे केस लागू हो गया, जिसके अंदर रेल ने अपनी पॉलिसी छुपाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और केट के अंदर, जिसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करे कि भाई इनको बीकानेर में जो भर्ती प्रोसीजर चल रहा है उसमें एंगेज किया जाए, और रेलवे के सॉलिसिटर जनरल ने ये बात कही कि हम उसके अंदर इनको एंगेज कर लेंगे, लेकिन वहाँ कोई ऐसी भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही है और ना ही कोई 6 महीने पहले कोई चल रही थी और ना कोई आज तक चल रही है। उन्होंने झूठा तत्व रख कर के हमारे फैसले को गुमराह किया, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। उसके बाद हमें रेलवे के चेयरमैन CRB साहब ने हमें निकाल दिया बाहर, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि इनको बाहर निकाला जाए। अब 45 साल से 55 साल की उम्र में हम कहाँ जाएंगे नौकरी करने, हमें कौन सी संस्था नौकरी पर रखेगी। हम यही कहना चाहते हैं प्रशासन से और रेलवे के चेयरमैन से कि हमें दोबारा एंगेज किया जाए और हमारे को समानता का अधिकार देते हुए हमें दोबारा नौकरी पे लिया जाए। आज के किया आपने? आज के किया DRM आज हम DRM साहब को ज्ञापन देने आए हैं, DRM साहब के मार्फत हम ज्ञापन CRB साहब के पास में पहुँचाएंगे। आपका शुभ नाम? शुभ नाम अब्दुल लतीफ। महिला कांग्रेस से मनाई महारानी लक्ष्मी बाई की पुण्यतिथि, विचार गोष्ठी आयोजित कर महारानी लक्ष्मी बाई के जीवन पर डाला प्रकाश। महिला कांग्रेस अध्यक्ष सभा खान ने कार्यक्रम को किया संबोधित। देश की वीरांगना और महारानी लक्ष्मी बाई की आज महिला कांग्रेस द्वारा पुण्यतिथि मनाई गई। LIC कॉलोनी के पीछे स्थित आतर स्कूल में महिला कांग्रेस के सदस्य उपस्थित हुई। सभी ने तस्वीर पर फूलमाला अर्पित कर महारानी लक्ष्मी बाई के जीवन पर प्रकाश डाला व एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इनका बलिदान दिवस था, जिसका अजमेर महिला कांग्रेस की तरफ से LIC कॉलोनी के पीछे आतेड़ स्कूल के पास मनाया गया, जिसमें एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई जिसमें उनके जीवन को के ऊपर प्रकाश डाला गया और आने वाली जनरेशन जो बच्चे हैं उनको उसके बारे में बहुत अच्छी तरह बताया गया कि किस तरह से उन्होंने 4 साल की उम्र में अपनी माँ को खोला और उनके पिता ने किस तरह से उनको शस्त्र विद्या में निपुण करा। उसका नतीजा ये था कि उन्होंने अंग्रेज़ों से टक्कर लिए, लोहा मंगवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंग्रेज़ों को दांत खट्टे कर दिए और आज तक उनका जो इतिहास मनाना वो अजर अमर रहेगा। उनकी प्रतिमा पर, उनके एक चित्र पर हम लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया और उनके चलाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके अलावा इनकी जो वीरता की गाथा है वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी खूबसूरत कविता में बहुत अच्छे लफ्ज़ों में कही थी कि बुंदेले हर बोलो के वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी जो वीरता है, उनकी जो यशस्वीता है, उनकी जो कूटनीतियाँ हैं वो आने वाले समय के सदियों तक, शतकों तक याद रखा जाएगा। हम चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उनकी जीवनी को सीखे, देखे और किस तरह से उन्होंने वीर गति प्राप्त की उसके बारे में भी जाने। गेगल थाना पुलिस की सह पर चल रही क्षेत्र में गुंडागर्दी, सामाजिक कार्यक्रम के दौरान दलित समाज के लोगों के साथ बदसलूकी, आरोपी राजेश गुर्जर को गिरफ्तार करवाने की मांग। गेगल थाना पुलिस की सह पर चल रही क्षेत्र में गुंडागर्दी को लेकर आज दलित समाज के लोग पुलिस कप्तान को ज्ञापन देने पहुंचे। समाज के लोगों का कहना है कि बाबा साहेब की जयंती के दिन ही प्रजापति समाज का भी कार्यक्रम था, जिसमें दलित समाज के लोग भी सम्मिलित हुए थे। समाज के लोगों का कहना है कि वहां पर स्वर्ण समाज से जुड़े लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्द कहे, उसके बाद मारपीट भी की। समाज के लोगों ने इसकी रिपोर्ट गेगल थाने में दी, उसके बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन समाज के लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति अभी भी बाहर घूम रहा है। इसको लेकर आज समाज के लोगों ने पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई। ज्ञापन देने आए लोगों ने यह भी कहा कि उनके साथ कोई भी अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। और 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती को हमने मनाया था तो गांव के कुछ लोगों ने हमारे साथ में क्या कि उसी दिन 14 अप्रैल को कोई प्रजापति समाज में कोई कार्यक्रम था तो हम खाने के लिए गए थे वहाँ पे, तो कुछ सरुण जाति के लोगों ने, उस समुदाय के लोग थे जो 7-8 लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरी तरह से मारपीट करी थी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया कि तुम बाम था खटिगड़ा, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम हमारे साथ बराबर बैठ सकते हो। तो हमने पुलिस को सूचना देने के बाद में
आरोपियों को पुलिस द्वारा से मिला। वहाँ हम जेगल थाने गए तो वहाँ दीवान जी कमल किशोर जी थे, उन्होंने भी हमको बहुत बुरी तरह से धमकाया और कहा कि अगर तुम आना तुम्हारी औकात में रह जाओ नहीं तो तुम लोगों को हम उल्टा फंसा देंगे। और हमारी कुछ ही समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट में FIR दर्ज करवाई, जिसकी जाँच इसमें राजेश वर्मा जी जो DYSP है उनकी जाँच अनुसंधान जारी है, उसकी चार्जशीट पेश नहीं हुई है। उसके बाद में भी आरोपियों को लगातार पुलिस का से मिल रहा है। पुलिस के से मिलने से वो आरोपी फिर दूसरे 7 तारीख को अभी 7 जून को फिर हमारे ऊपर फिर हमला किया उन्होंने। तो हमने कंट्रोल रूम 16 नंबर पे कॉल किया, गेगल थानों में सूचना की और नरवर पुलिस चौकी में सूचना की। तो सूचना करने के बाद में नरवर पुलिस चौकी से कांस्टेबल वासुदेव शर्मा और दीवान जी कमल किशोर जी आए। तो हमने उनको अपनी दलील सुनाई कि हमारे साथ ऐसे मारपीट करी। तो पुलिस वाले के सामने भी वो आरोपी हमको धमका रहा था कि तुमको मैं एक को जान से मारूंगा। तो हमने कहा मैं तो सर देखो आपके सामने हमें ये धमका रहा है तो क्या कि हम क्या करें, हम क्या इसके मुंह में उंगली डाले क्या? और कहा कि अगर क्या हम इसके पास ही लगा दें क्या? और कमल किशोर जी और वासुदेव शर्मा ने उस आरोपी रामोदार गुजर को कहा कि तू मस्त रहे, तुझे पासी नहीं होगी। उसके बाद में फिर उन्होंने हमने लिखित में एप्लीकेशन रिपोर्ट देनी चाहिए। लिखित एप्लीकेशन भी आप किसके पास आए? हम अभी पुलिस अधीक्षक के पास में आए, हमने लिखित एप्लीकेशन दी, मगर लिखित हमारी एप्लीकेशन ली, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर हमारे SDO साहब के सामने हमने जब उनको पेश किया गया तो हमने दलील पेश करी। तो उसके बाद में उस आरोपी रामोदार गुजर के साथ में उचित कानूनी कार्रवाई हुई, उसकी जैसी हुई। उसके बाद में दूसरा जो आरोपी है राजेश गुजर, उसको आज तक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया। राजेश वर्मा जी को भी ज्ञापन दिया था और पुलिस के खिलाफ भी हमने उनको बोला कि भाई कि हमारे साथ में ये जो घटना हो रही है। तो दूसरे दिन 14 तारीख को फिर पुलिस ने कांस्टेबल वासुदेव शर्मा हमारे पास आया और बोला कि तुम हमारी एप्लीकेशन क्यों दी? तो कि हमारे पुलिस वाले हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, पुलिस वाले तो हम सबसे बड़े गुंडे होते हैं और तुम DYSP हमारा थानेदार कुछ नहीं कर सकता है। तो हम इतने भयभीत हो रहे हैं कि अगर ऐसी कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले टाइम में ये जो आरोपी लोग हैं हमारे साथ में ऐसी कोई भी बड़ी घटना जैसे जो डांगावास प्रकरण हुआ है वैसी बहुत बड़ी घटना हमारे साथ घटित कर सकते हैं। और हमें पूरा भय है कि हमें अगर हमारे साथ में हमारे पीड़ित के साथ में कोई भी घटना कोई दुर्घटना अगर हमारे साथ में कोई घटित करते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। और हम अभी SP साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और हमें आश्वस्त किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय दी? मेरा नाम महेंद्र परियार है, चाचेवास से हूँ मैं। और हम पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमें भयभीत जो भय है हमारे उसको भय मुक्त करें और हमारी उचित कानून का। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए जो बंद करें।